वाक युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू भी तो राम कहता है, मेरा ही नाम छीन करके मुझ पर ही थाक जमाता है। यूपी के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट को आप जानते ही होंगे, यानी कि हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी। इनका मानना है कि रावण और दुर्योधन नाम कोई भी माता पिता अपने बच्चे का नहीं रखता है। इस बात को प्रूफ करने के लिए इन्होंने फैजाबाद को अयोध्या और इलाहाबाद को प्रयागराज बना दिया। दोस्तों, मैं कहता हूं ना ही फैजाबाद रावण है और ना ही अयोध्या राम, ना ही इलाहाबाद कंस है, ना ही प्रयागराज कृष्ण। अगर इनको नाम बदलना है तो पंजाब राज्य के जालंधर शहर का नाम बदलें, जो कि एक राक्षस के नाम पर है। यहां पर भगवान श्री राम के पुत्र लौ और कुश की राजधानी हुआ करती थी। अगर बदलना है तो उसका नाम लौ नगर या कुश नगर होना चाहिए। बच्चों का नाम बदलना उनके माता पिता का निजी निर्णय होता है, लेकिन शहर, गांव, बस्ती, जिला, राज्य का नाम बदलना समाज का निर्णय होना चाहिए। किसी भी शहर, गांव या राज्य का नाम बदलने के लिए कितना पैसा बर्बाद होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट में, बस, ट्रेन इत्यादि में जा करके हर जगह, हर होल्डिंग पे नाम बदलना पड़ता है, हर स्टेशन का नाम बदलना पड़ता है। साइन बोर्ड, जितने भी साइन बोर्ड लगे हुए हैं, हर जगह नाम बदलना पड़ेगा, और जितने ही सरकारी डॉक्यूमेंट होंगे सब पर नाम बदलना पड़ेगा। इसका खर्च बहुत ही ज़्यादा पड़ता है, जो कि सीधा जनता की जेब पर इसका असर दिखता है। इसी के साथ एक और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अमित शाह हिंदू हैं? हाल ही में प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब का कहना है कि शाह शब्द पारसी है। उन्होंने यहां तक कहा कि गुजरात शब्द भी पारसी है। दोस्तों, क्या योगी जी अब जाकर के गुजरात और अमित शाह जी का नाम बदलेंगे? दोस्तों, 2017 में हुआ उत्तराखंड का इलेक्शन आपको याद होगा, अल्मोड़ा में जाकर के अमित शाह जी अपना नाम बदल करके शाह से शाह बन गए थे, यानी कि शाहू बन गए थे, क्योंकि वहां पर शाह हैं, शाह नहीं। अगर नाम बदलने से वोट मिलते हैं तो सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा हो चुका है, लाइट सबको मिल रही है, पानी सबको मिल रही है, कोई भी भूखा नहीं सो रहा है। इस पर मन में राम, बगल में छुरी, कब पाओ कब काटो मोड़ी, बहुत ही अच्छा फिट बैठता है। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं, काम नहीं कारनामे बोलते हैं।